नॉर्थ अफ्रीका, सदर्न यूरोप और कैनरी आइलैंड से चलकर आज यह एलोवेरा पूरी दुनिया भर के ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में उगाया जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर से जुड़े हुए बेनिफिट होते हैं उनको आज हम देखेंगे। तो जय सियाराम दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट के बारे में आज बात करेंगे जो कि है सीने की जलन। अक्सर लोगों में होती रहती है, इसको डिटेल में समझते हैं। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग यानी कि GERD एक पाचन समस्या है जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर हमारे सीने में जलन होती रहती है। 2010 के रिव्यू में सुझाव दिया गया है कि भोजन के समय अगर हम 1 से 2 औंस एलो जेल का सेवन कर लेते हैं तो हमारी जो ये पाचन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म हो सकती है। जो ये GERD है यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग यानी कि सीने की जलन, इसको कम किया जा सकता है और भी पाचन संबंधी जो भी समस्या होंगी वो भी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। पौधे की कम विषाक्तता इसे सीने की जलन के लिए एक सुरक्षित और सौम्य उपाय बनाती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना है, जब आप फल और सब्जियां खरीद के लाते हो तो आप कितने दिन तक स्टोर करके उसको रख पाते हो? आप में से बहुत लोग बोलोगे कि यार वो 3 से 4 दिन स्टोर रहता है, अगर खत्म नहीं किया तो बहुत सारा सड़ जाता है, फिर फेंकना पड़ता है। हमारी और आपकी चलो मान लेते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाहर जो कारोबार कर रहे हैं इसका, जो घर में कारोबार करते हैं, फल और सब्जियां बेचते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित 2014 के एक अध्ययन में एलो जेल से लेपित टमाटर के पौधों को देखा गया है। रिपोर्ट से पता चला कि कोटिंग ने सब्जियों पर कई तरह के हानिकारक बैक्टीरियों के विकास को सफलतापूर्वक रोक दिया है। सेब के साथ एक अलग अध्ययन में भी इसी तरीके के परिणाम पाए गए। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि एलो जेल फलों और सब्जियों को ताजा रखने में मदद कर सकता है और खतरनाक रसायनों की आवश्यकता को भी खत्म कर सकता है जो उपज के शेल्फ जीवन को बढ़ाता है। आजकल के जो टूथपेस्ट आ गए हैं, दंत मंजन आ गए हैं, उनमें बहुत सारा केमिकल मिला होता है, तो यार उस केमिकल को हटाओ और नेचुरल चीजों पे आओ। देखो यार, मैं नेचर को प्रमोट करता हूँ तो आप मेरे को प्रमोट करो। ये वीडियो हर स्टेटस में लगा दो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे व्हाट्सएप, ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा, उसके बाद इस एलोवेरा को अच्छे से धुल लेना है, उसके बाद इसको जब काटेंगे तो अंदर का जो निकलता है जल साहब का, उसी से ही हम लोग को क्या करना है, आइए देखते हैं। इसकी कटिंग कैसे करनी है? कटिंग आपको किनारे किनारे साइड की चीज़ें हटा देनी है। किनारे में जो है ये कांटे लगे होते हैं, तो कांटों को हटा देते हैं। इनका तो कोई काम नहीं, इनको फेंक दो। फिर जो है इसके ऊपर की जो ये परत है इसको भी आपको हटा लेना है, सिर्फ जल का काम है हम लोग को। अब जो ये जल बचा हुआ है ये अंदर का जल निकाल लेना है हमको चम्मच वगैरह से, ये जो साफ चम्मच है। पता नहीं यार लोग कैसे काट लेते हैं पूरा एलोवेरा, मेरे से तो ये आधा आधा में कट रहा है, मतलब एक ही साथ में नहीं कट रहा है, अलग अलग वे में कट रहा है। तो एलोवेरा का इसे कट चुका है देखो, अब क्या करना है आगे देखते हैं। तो भाई सबसे पहले इसको साफ कर लेंगे अच्छे से, जो ऊपर का जो टॉक्सिक सब्सटेंस हो वो निकल जाए। और फाइनली गाइस अब इसको चबाना शुरू करना है। अगर अपने दांतों को अच्छा करना है तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो ही आपके दांत अच्छे हो पाएंगे। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, मैं भी पहली बार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से बता सकूं। यह है कि आप अगर पहली बार खाओगे तो बहुत ज़्यादा लार बन जाएगी, फिर इसको मंडन टाइप करिए। हो जाए तो फिल्टर टू किया, फिर करिए गाइस ये बहुत अच्छा है, इसको आप डेली बेस पे करिए मंजन की तरह। गाइस मैं सच बताऊं कि आप लोग अगर इसको ट्राई करोगे, आप दिन में 2 बार ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार करिए इसको, धीरे धीरे करिए, रूटीन में बनाइए और फिर उसका 2 बार करिए, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे रहा है। मतलब इससे दांतों की इतनी अच्छी सफाई मुझे लग रही हो रही है कि दूसरा कोई दतून या अलग से टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो भी केमिकल वाला है। उसके बाद थोड़ी देर रुक के आप साफ कर लेंगे मुँह को। सो गाइस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा एलोवेरा को, और जो केमिकल वाले टूथपेस्ट हैं उनको गायब कर दो, उनको ख़त्म कर दो यार, उनको हटा दो अपने वहाँ से, फेंक दो अगर अभी है। आज हम आपके फेस स्किन को क्लीन और हाइड्रेट करने वाले हैं, और जब भी स्किन की बात आएगी तो आप लोगों के दिमाग में एक पेड़ जरूर आएगा, वो है एलोवेरा। दुनिया की कोई भी कंपनी जो भी फेस रिलेटेड क्रीम्स वगैरह बनाती है या मॉइस्चराइजर वगैरह बनाती है उसके पास एलोवेरा रिलेटेड प्रोडक्ट जरूर होता है। अगर आपको स्किन को क्लियर और हाइड्रेट करना है तो एलोवेरा का यूज आप बेशक कर सकते हो, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलोवेरा किसी भी कंडीशन में, चाहे वो ड्राई हो चाहे बहुत ज्यादा कठोर परिस्थिति हो, उसमें भी जीवित रह लेता है। जो इसकी पत्तियां होती
है, वो अपने अंदर पानी जमा करके रखती है, और चाहे गर्मी हो चाहे बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो, लेकिन ये हमेशा पनपता है। इसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉम्बिनेशन की वजह से ये फेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल हम प्रोडक्ट्स बाहर से मंगा लेते हैं जो एलोवेरा बेस्ड तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे कई केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी फेस स्किन धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। तो आपको सिंपल एलोवेरा लेना है और एलोवेरा को ऊपर से पत्तियां धीरे से काट के और उसके अंदर जेल होता है उसको अप्लाई करना है। इसको डेली बेस पे आप दो बार जरूर करेंगे सुबह शाम, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। और इसको अगर आप डेली बेस पे लगाते हो तो आपके कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसको पेन रिलीवर भी कहा जाता है, तो अगर आपको कहीं भी पेन हो रहा है तो वहां पर भी इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं, हो सकता है आपका पेन धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटेड वीडियो और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो, और शेयर तो सबको कर दीजिए ताकि ये चैनल धीरे धीरे करके ऊपर चला जाए।